नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ ऑफ इक्वेशन, और एक इक्वेशन हमें छोटी सी दी हुई है, टू टू द पावर वन प्लस मॉड कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का क्यूब और टू डैश 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 इन्फिनिटी तक गिवन है और इक्वल टू गिवन है फोर। अब देखिए यहाँ पर जो इन्होंने मॉड लगाया हुआ है, इन्होंने कॉस स्क्वायर में और पावर फोर में नहीं लगाया है, तो आपको मैं बता दूं कि अगर मॉड एक्स स्क्वायर नहीं भी लगा तो भी वो एक्स स्क्वायर ही है, यानी कि सब में मॉड लगा हुआ है, ठीक है ना। उन्होंने मॉड हटा दिया स्क्वायर में पावर फोर में, तो आपको ध्यान रखना है कि मॉड एक्स स्क्वायर ही एक्स स्क्वायर होता है। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे आप थोड़ा सोचें फिर बताएं। अब एक बात और यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपने अभी जीपी की सीरीज नहीं पढ़ी हुई है, तो जीपी की सीरीज बन रही है। जीपी आपने नहीं पढ़ा ना अभी सर किसी ने भी? जीपी की सीरीज के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि इसमें जीपी का यूज होने वाला है। जैसे आपने एपी के बारे में पढ़ा है, तो एपी में पढ़ा है कि ए होता है ए प्लस बी होता है ए प्लस टू बी होता है, उसी तरह जीपी में ए होता है फिर ए आर होता है फिर ए आर स्क्वायर होता है, और इस तरीके की सीरीज बनती है ए आर की पावर एन माइनस वन। एपी में आपने पढ़ा है कि उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, जीपी में कॉमन रेशियो इक्वल होता है, कॉमन रेशियो को आर से डिनोट करते हैं। जैसे एपी में आपने पढ़ा है कि टी टू माइनस टी वन कॉमन डिफरेंस डी होता है, टी थ्री माइनस टी टू होता है, तो वहाँ पर कॉमन डिफरेंस बोलते थे एपी में। जीपी में क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो, मतलब सेकेंड बाई फर्स्ट, थर्ड बाई सेकेंड, अगर ये सारे के सारे इक्वल है तो इसका मतलब ये जीपी में है। और जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम, जीपी में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इसका फॉर्मूला भी मैं बता देता हूँ। एस इक्वल टू होता है ए अपॉन वन माइनस आर। ए क्या होता है? जैसे उसमें एपी में ए फर्स्ट टर्म होता था, वैसे जीपी में भी ए फर्स्ट टर्म से ही डिनोट करते हैं, ये है फर्स्ट टर्म। और R जो है वो कॉमन रेशियो है, R क्या है? कॉमन रेशियो। तो GP के इनफाइनाइट टर्म के सम का ये फॉर्मूला होता है। और एक कंडीशन लिख लेंगे, मॉड R की वैल्यू लेस देन 1 होती है, यानी R की वैल्यू माइनस 1 से 1 के मिड में होती है, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ कैसे आया है। यहाँ पर हमने देखा कि जो सीरीज है जीपी की, उसमें फर्स्ट टर्म जो है वो ए है और ए की वैल्यू जो है वो वन गिवन है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सीरीज दिख रही है आपको, उसमें कॉमन रेशियो जो है वो कॉस एक्स का है, ए इक्वल टू वन है, और कॉमन रेशियो आर इक्वल टू मॉड कॉस एक्स अपॉन वन, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, यानी कॉस एक्स ये आगे वैल्यू। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं कि इस सीरीज का सम जो है वो कितना हो जाएगा, 2 की पावर में ये सीरीज है तो 2 की पावर में 1 अपॉन ए अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस मॉड कॉस एक्स, और ये वैल्यू गिवन है 4 के इक्वल। 4 का मतलब क्या हो गया? 2 स्क्वायर। बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर लेते हैं, तो 1 अपॉन 1 माइनस मॉड कॉस एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 2। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2 मॉड कॉस एक्स। मॉड कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 मॉड कॉस एक्स 2 माइनस 1, तो कॉस मॉड कॉस एक्स की वैल्यू आ गई 1 बाई 2, यानी कि कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 1 बाई 2। अब कॉस एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 बाई 2 आ गई, अब हमें बताना है कि इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो जनरल वैल्यू का फॉर्मूला लगा देते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा कितना होगा? ये किसकी वैल्यू होगी? पाई बाई 3 की,
करेंगे x इक्वल टू प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये हमारा आंसर।